this chapter chemistry, faculty of IIT Delhi, Paris Engineering School. Today I am going to explain about this formaldehyde, aldehyde and ketone. Okay, chemical properties पढ़ेंगे formaldehyde, aldehyde and ketones के बारे में. चलिए start करते हैं. Okay, देखिए आपका ये है formaldehyde, aldehyde and ketone. आपके एच ये आपके एल्डिहाइड, ये आपके कीटोन. ओके, देखो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे. देखो यहाँ पे ये जो सी और ओ सब में सेम है, सी डबल बॉन्ड मीन्स कार्बोनिक ग्रुप जिसको हम कह सकते हैं. देखो फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है, ये जो एच है ये सेम से, अगर इसी H को अगर आप रिप्लेस कर दो R से तो ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड, समझ रहे हो. या फिर इस H को अगर रिप्लेस कर दो R से तो आपका हो जाएगा कीटोन, या फिर एल्डिहाइड या फिर कीटोन. ओके, चलिए पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में. देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज. सबसे पहले ये जानिए आपका जो केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करते हैं. देखिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होंगे, आपके एडिशन रिएक्शन शो करेंगे. क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन. देखिए जैसे हम मान लेते हैं आपके एग्जाम्पल जैसे दिखाते हैं, ये आपके फॉर्मल्डिहाइड मान लेते हैं, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, तो ये क्या होगा, मॉडल यहाँ से ब्रेक होगा तो आपका ये हो जाएगा सी ओ माइनस और यहाँ पे होगा एच प्लस. उसी तरीके से उसके बाद क्या होगा, तब आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अटैक करेगा. इस तरीके से ये प्रोसेस हम देखते हैं. हेलो एवरीवन, दिस इज दिशा फ्रॉम केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट एसएनजीवी स्कूल. टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट दिस फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड आज हम डिस्कशन करेंगे. चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड. ये आपके एल्डिहाइड और ये आपके कीटोन. ओके, इसमें आपके सी डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड में सभी कॉमन है, इसको बोलते कार्बोनिल ग्रुप. ओके, ये होता है इसमें आपके ये चीज सेम है, वो आपके फॉर्मल्डिहाइड हो जाते हैं. इसमें अगर क्या है, एच को रिप्लेस करके अगर आप कर दो आर कर दो तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आर यहाँ पे एच और दोनों जगह आर कर दो कीटोन हो जाएगा. तो ये इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन. ओके, चलिए हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड डिस्कशन कर रहे हैं. याद रखते हैं जो फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं वो आपके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होते हैं. न्यूक्लियोफिलिक में देखिए आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो करते हैं. क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं. हाँ देखिएगा, और इसमें एक बात और, देखिए आपके जो ये होते हैं आपके फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन. ठीक है, ये जो आपके होते हैं ना, इसमें से आपके फॉर्मल्डिहाइड और एल्डिहाइड ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. बट ये नहीं करते ऐसा कि देखिए आपके कम से कम ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो शो करता है इसमें एच प्लस होना चाहिए, एच प्लस, और इसमें क्या है कार्बन कार्बन दोनों जगह सी एस सी है. तो ये क्या करेंगे कि दोनों आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करते, तो फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आपका केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से इसमें हम क्या करते हैं रिएक्शन में, देखिए यहाँ पे आपका है रिएक्शन में आर एन जी गैस, रिएक्शन विद आर एन जी गैस. अब आप जानते हैं इसमें क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड डिवीजन, आपको पता ही है ये क्या है, ग्रिग्नार्ड डिवीजन आपको पता है. चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के लिए.
ये आपके फॉर्मेलिडाइड, ओके ये आपके फॉर्मेलिडाइड। इसमें याद रखिएगा अगर हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले ये लीजिए कि अगर इसमें हम कोई भी देखें फॉर्मेलिडाइड डीहाइड्रेट तो न्यूक्लिफिकेशन शो करते हैं, जिसमें क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा तो आपका न्यू होगा तो माइनस में ये हो जाएगा एच होगा पॉजिटिव। इसी तरीके से आपके क्या होंगे न्यूक्लिफाइड करेंगे यहाँ टच करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट में आर एच एफ, देखिए आप क्या ऐसा आपको समझ में आ रहा है, देखिए आपको आर एच एफ ये आपके पॉजिटिव भी है आपके पॉजिटिव पॉजिटिव भी आपका वर्ड यहाँ जाएगा और ये क्या करेगा वहाँ। इस तरीके से आपके जो फॉर्मूले हैं अब आपके जो ये एल जी एक्स ये पॉजिटिव पॉजिटिव है ये क्या है ये जो एस टी ओ प्लस है तो ये क्या होगा एच प्लस है और ये क्या होगा एच और ओ एच है, ये जो ओ एच वाले से अटैक करेगा ये एच प्लस इसके साथ। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा देखिए एक ही मिलेगा आपको पहले ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा एल जी ओ एच एच हो जाएगा और दूसरा आपका ये बन जाएगा आपके ओ एच और यहाँ पे एच और यहाँ पे आर यहाँ पे एच। इस तरीके से आपके प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो जाएगा। तो ये थे आपके फॉर्मल डी एन ए, देखो पहले क्या किया ये पहली बार ये बॉन्ड यहाँ ओ माइनस हो गया फिर इसके बाद आपने यहाँ पे अटैक किया तो आप देखो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव होती है एस थ्री ओ प्लस को हम एच प्लस पे और एच टू ओ में करेंगे। इस तरीके से देखो यहाँ पे ये एच प्लस और ये एच टू मिलेगा। अब इस एच टू को एच प्लस ओ एच माइनस में अटैक करेंगे तो ओ एच माइनस से अटैक करेगा और इसके बाद जो एच प्लस है अटैक करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके पूरा फॉर्म आपके एच प्लस का रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको फॉर्मल नहीं आएगा। अब क्या करते हैं इसी तरीके से एल डी की जोड़ का भी लेते देखिए आप ये एल डी इसी तरीके से देखिए आप एल डी का भी देखिए आपके डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देते हैं देखो आपका। तो उसके बाद क्या होगा एम जी एक्स रहेगा फिर ये क्या करेंगे इसी तरीके से ओ एस अटैक करेगा तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा। जिस तरीके से हमने वो बताया इसी तरीके से सारे रिएक्शन आपके हो गए, ओके ये प्रोडक्ट कौन हो जाएंगे। इसी तरीके से देखो ये भी ले लो तो ये ले लो ई टू इस तरीके से प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो जाएगा चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो ये हो गया। अब क्या करते हैं रिएक्शन स्क्रिप्ट आगे देखिए रिएक्शन स्क्रिप्ट इसके साथ चलाते हैं। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं आप इसमें क्या होगा ये देखिए इसमें हम देंगे आपके मान लेते हैं ठीक है। इसमें जो इस तरीके से ये भी होगा यहाँ जाएगा तो पहले ये जो होगा इसको यहाँ पर हम कहेंगे तो इस तरीके से जाएगा एल टी प्लस हो जाएगा और ये जो जाएगा आपका यहाँ जाएगा ये क्या होगा माइनस। इस तरीके से आपका जो माइनस चल रहा है यहाँ पर आएगा ये क्या करेगा ये आपका ये निकल करके आपका यहाँ पर अटैक करेगा इस जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है देखिए आपका ये बनेगा ये हो जाएगा ऊपर वो माइनस करके और यहाँ पे हो जाएगा आपका एच यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे एच यहाँ पे क्या होगा एच ओके। और आप देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे तो फिर आप यहाँ पे किया उसके बाद क्या होगा ये आपका एच पॉजिटिव जो यहाँ पे
carbon dioxide is when you have aldehyde. Yes, aldehyde. ये क्या है आपके aldehyde. ठीक है, ये आपके aldehyde. हम यहाँ क्या करेंगे Np plus BH4. ठीक है, ये आपके यहाँ आपको पता है यहाँ से H2S. इसको हम यहाँ को अभी करके दिखाया है. ये क्या था आपका Np plus था और ये आपका इस तरीके से चार्ज का बॉन्ड HHS था. ठीक है, ये था आपको पता है कि माइनस चार्ज था. ये आपने जब अटैक किया तो ये क्या किया पूरा निकल करके आपका यहाँ पे अटैक कर गया. ठीक है, आपको इतना आता है. आप देखो क्या करना है आपके, तो आपका ये जो होगा ये माइनस इस तरीके से आपका ये हो जाएगा. यहाँ पे अटैक किया तो एच और यहाँ पर एच. ठीक है, अब क्या करेंगे हम निकल के देखो जिस तरीके से क्लोजन ये है कि अब यहाँ से भी एच प्लस होगा आपका एच प्लस होगा ओ एच बनेगा. तो इसमें जो एच प्लस होगा यहाँ पे अटैक करेगा ये हो जाएगा ओ एच, ये हो जाएगा आर, यहाँ ओ एच. अब फिर इसके बाद क्या होगा आपका सोडियम एन ए ओ एच. ये सोडियम के साथ जो है ओ एच दिया करेगा. अब आपका जो आपका ए एच प्लस बचा बाकी ये क्या होगा बी एच थ्री. ठीक है, देखो अभी हमने आपको ये वाला चीज के कॉन्सेप्ट आपको बता चुका है. ये जो था आपका ये एच प्लस यहाँ पर अटैक कर लिया और ये जो ओ एच माइनस था यहाँ पर अटैक कर बाकी एच प्लस आता है. इस तरीके से रिलेशन हो गया आपने. ये थे आपके एल्डिहाइड के. इसी तरीके से आपके कीटोन के होते थे. कीटोन के इस तरीके से हमने हम डायरेक्ट करते हैं एच माइनस को क्या करते हैं अब अटैक कर लाते हैं. देखो क्या आ जाएगा मैं तो आपको पता नहीं. देखिए यहाँ पे इस तरीके से हो जाते हैं एच इस तरीके से रिएक्शन होगा. बाकी ठीक है, ये आपके होंगे. इसी तरीके से आपके रिएक्शन होते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके. ऐसे भी और भी चीज ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके लिए एक फॉर्म लेते लीजिए. एच माइनस चाहिए अगर आप समझ लेंगे. ठीक है, जैसा मैंने बताया बीच को पैक करके. ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है. इस तरीके से आपको बोलना प्रॉब्लम हो जाएगी. ये आपके लिए ओ माइनस. ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लोरीन डाला था हमने बताया आपको डाले कैसे किस तरीके से होगा. इसी तरीके से आप दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे मान लीजिए एच माइनस मतलब आप समझ जाइएगा उसको भी एन ए प्लस बी एच फोर माइनस किया वैसे अटैक किया वैसे ही होगा वही प्रोडक्ट निकलेगा. बस इसमें हम डेली कॉपी दिखा रहे हैं. ओके जी, इसके लिए वही हो जाएगा ये हो गया. इस तरीके से आपको प्रोडक्ट हो गया. और एग्जाम्पल ले लीजिए ये हो गया समझ जाइएगा एंड बी एच फोर ले लिया. ठीक है, यहाँ हो जाएगा इसी तरीके से अटैक है आपका जो हाइड्रेट प्रोडक्ट हो जाएगा कई हो जाएगा. ठीक है, मैंने पहले बता रहा इस तरीके से बाकी आप समझ. ठीक है, एक बेंजीन के लिए लेते हैं. देखो यहाँ पे यहाँ पे बेंजीन में से कराएंगे तो आपको हाइड्रेट प्रोडक्ट आपका ये होगा वही करेंगे. और एग्जाम्पल देखो एक आराम का है जो जैसे कहा क्या है यहाँ भी क्या होगा
पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी वर्ड फ्री आपका इस तरीके से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आप सी एस, ठीक है। फिर इसी चीज को एच प्लस में एच एच ओ एच तो आपका क्या हो जाएगा, यानी ओ एस टी ओ प्लस आपका जो फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है वो हो जाएगा। इस तरीके से बाकी आपके जो भी है एम जी ओ एच एक्स हो जाएगा, ओके। इस तरीके से आपके जो है ये सबका कॉन्सेप्ट तो वही हो गया ना, क्या है रिड्यूसिंग रिजल्ट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आर, यहाँ हो जाएगा एच। फिर क्या है आप यहाँ पे ऐसे बिजनेस में पता, फिर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इस तरीके से पुट करके फॉर्म हो जाए, ठीक है। ये और एग्जांपल देखो, ये ठीक है।